सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी माफिया किसानों के हक पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला जिले के पीसीएफ विभाग का है, जहां माफिया ने बड़ा खेल करते हुए किसानों तक पहुंचने वाली खाद में 3 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। जिलाधिकारी ने मामले की जांच एआर कोऑपरेटिव को सौंप दी है और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। उसमें ये उर्वरक 2,89,493 की कम पाई हुई, इसमें जी इसमें कौन कौन सी जो कट्टे कौन कौन सी शामिल थे? इसमें 2836 टन यूरिया थी, अब की 150 टन डीएपी थी, 67 टन एनपीके थी। सर ये बताइए, पीसीएफ गोदाम में खाद का कुछ घोटाला सामने आया है, क्या मामला सर? कल मेरे पास कुछ लोग शिकायत लेके आए थे, तभी तुरंत विस्तृत जांच एआर कोऑपरेटिव द्वारा की जा रही। इन्होंने प्रथम सूचना जो मेरे पास उपलब्ध कराई है उसके अनुसार 2,89,00,000 की स्टॉक में खाद नहीं है। इसको देखते हुए हमने इनको तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए।